गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन में जो इसका एक सबसे महत्वपूर्ण प्रिंसिपल है बैलेंस, उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि बैलेंस क्या है और उसका डिज़ाइन में उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। सबसे पहले हम देखते हैं कि बैलेंस या संतुलन क्या है। बैलेंस या संतुलन से तात्पर्य है कि किसी कॉम्पोजिशन के एलिमेंट्स के विजुअल वेट से है, यानी जो भी आपका कॉम्पोजिशन है उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं उसमें उनका कैसे आपने अरेंज किया है और कौन सा एलिमेंट कितना वेट आपने उसको दिया है, तो देखने से या उसका जो इम्पोर्टेंस है वो हमें पता लगता है। संतुलन का सिद्धांत एक दृश्य संतुलन प्राप्त करने के लिए समान दृश्य भार के तत्वों के व्यवस्थित वितरण को संदर्भित करता है। बैलेंस या संतुलन तभी प्राप्त होता है जब तत्वों का विजुअल वेट समान रूप से एक केंद्रीय बिंदु के साथ डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जो वास्तविक और काल्पनिक दोनों हो सकते हैं। चित्र बनाने में या जो हम कंपोजिशन बनाते हैं या कोई पेंटिंग है या जो भी है, सभी भागों के बीच एक फेल्ट या महसूस ऑप्टिकल बैलेंस को संदर्भित करता है। आर्टिस्ट या डिजाइनर सभी दिशाओं और स्थिति में हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली, रेडियली और डायगनली बैलेंस देता है, क्योंकि आर्टिस्ट को देखने से, जैसे हमने बताया कि एक फेल्ट ऑप्टिकल बैलेंस को संदर्भित करता है कोई भी, आर्टिस्ट को ये पता रहता है कि मेरे को, उसको एक महसूस हो जाता है कि मेरे को डिजाइन में जो उसके एलिमेंट्स हैं उसको कैसे व्यवस्थित करना है जिससे डिजाइन सुंदर लगे और एक बैलेंस लगे, तो उसको किसी भी तरीके से अरेंज कर सकता है। कई ऐसे फैक्टर्स हैं जो एलिमेंट्स के साथ कंबाइन होने पर कला के कार्य में संतुलन बनाने में योगदान करते हैं। ये फैक्टर्स हैं एलिमेंट्स की पोजीशन या प्लेसमेंट, आकार, प्रोपोर्शन, क्वालिटी और डायरेक्शन। इन फैक्टर्स में पोजीशन या प्लेसमेंट को कहाँ रखा गया है मुख्य भूमिका अदा करता है, मतलब जो डिजाइन का एलिमेंट है उसकी पोजीशन हमने उस पिक्चर प्लेन पे कहाँ रखी है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण होता है। यदि समान आकार के भौतिक गुणों के दो शेप्स को पिक्चर फ्रेम के नीचे वाली स्पेस पर हम रखते हैं या नीचे वाली साइड में हम रखते हैं, तो नीचे वाली जगह ऊपर वाले खाली जगह से हेवी हो जाएगी और उसमें असंतुलन या असंतुलित वो हमें पिक्चर में दिखाई देगा। ऐसी आकृतियों को उन स्थान पर रखा जाना चाहिए जो पिक्चर के सभी पार्ट्स के टोटल बैलेंस में कंट्रीब्यूट कर सके। इसी तरह अन्य फैक्टर्स अपने उपयोग के अनुसार संतुलन को एक पिक्टोरियल अरेंजमेंट में इन और आउट कर सकते हैं।
and in seeking balance, it should be recognized that the elements of art represent movements of force. हमारी आंखें पिक्चर सरफेस पर ट्रेवल करती हैं और जो पिक्चर के महत्वपूर्ण भागों पर क्षण भर रुकती हैं, जो कि अपने कैरेक्टर में कंट्रास्ट लिए हुए होते हैं, यानी कि जो कंट्रास्ट चीज या ऑब्जेक्ट है उस पर हमारी आंखें स्वतः ही कुछ क्षण के लिए रुक जाती हैं, जिसको हमने पहले भी बताया था कि दैट इज मूवमेंट ऑफ फोर्स। ये कंट्रास्ट मूविंग और दिशात्मक शक्तियों का प्रतिनिधित्व करती हैं, जो एक दूसरे को संतुलित करते हैं, जिससे एक नियंत्रित रिजल्ट प्राप्त होता है। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम देखेंगे कि बैलेंस को प्राप्त करने के कौन कौन से तरीके हैं और हम उससे कैसे एक डिजाइन को बैलेंस डिजाइन कह सकते हैं और व्यूअर्स को भी लगे कि हाँ, ये डिजाइन बहुत सुंदर है और उसको वो देखने के लिए बार बार उसको देखें। Thank you.